इन महाशय का नाम था रोहिणी कुमार चेल। ज्योतिर्विज्ञान में इनकी गहरी रुचि थी और जिज्ञासा भी। जीवन की कुछ उलझने भी थीं जिनकी वजह से वे चिंतित रहते थे। इसी प्रसंग में वे अनेकों लोगों से मिले पर हर जगह ठगे गए। जो हाथ में था वह भी गया और प्रकाश के स्थान पर अंधकार ही पल्ले पड़ा। इन्हीं दिनों इनके एक मित्र ने किसी योगी के विषय में बताया। पहले तो उनका मिलने का मन नहीं हुआ, फिर सोचा चलो एक परीक्षा ही सही। यह सोचकर अपने मित्र से सलाह लेने के बाद उन्होंने तार कर दिया। उत्तर आया अभी नहीं, परंतु जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि रहा ना गया और वे गुशकरा के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर घर के बाहर बैठ गए क्योंकि दरवाजा बंद था। थोड़ी देर बाद स्वामी जी द्वार खोलकर बाहर निकले। उनके शरीर से भीनी भीनी कमल की सुगंध निकल रही थी। उनकी दोनों आंखें लाल किंतु आश्चर्यपूर्ण तेज से आपूरित थीं। थोड़ा ध्यान से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि स्वामी जी के शरीर से केवल कमल की सुगंध ही नहीं बल्कि हल्का हल्का श्वेत प्रकाश भी निकल रहा है। वह कुछ बोल पाते इसके पहले उन्होंने इनको अपने कक्ष में आने और तख्त पर बैठने का संकेत दिया। इस संकेत के अनुसार वे हड़बड़ी में बैठ गए और अपने हैंडबैग से अपनी एवं अपनी पत्नी की कुंडली निकाली। उन्हें इस तरह हैंडबैग टटोलते हुए देख स्वामी जी ने कहा, रुको, और उस कमरे की अलमारी से दो कुंडली निकालकर उनके हाथों में थमा दी। इनमें उनका और उनकी पत्नी का नाम, जन्म समय, लग्न चक्र, चंद्र कुंडली और विषोत्तरी दशाएं, अंतर एवं प्रत्यंतर दशाओं सहित लिखी हुई थी। साथ ही इनमें उनके फलाफल भी वर्णित थे। अब तो रोहिणी बाबू थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही आश्चर्यचकित हुए। आखिर इन्हें मेरा और मेरी पत्नी का नाम कैसे पता लगा? पूछने पर स्वामी जी ने कहा, जब मैंने योग दृष्टि से देखा कि तुम मेरे मना करने के बाद भी गुशकरा के लिए चल पड़े हो तो मैंने बैठे बैठे तुम दोनों की कुंडली बना ली। खैर यह सब छोड़ो और अपनी कुंडली का मिलान करो। मिलान करने पर पत्नी की कुंडली तो ठीक ठीक मिल गई, परंतु रोहिणी बाबू की कुंडली थोड़ा सा फर्क लिए हुए थी। इसमें जन्म मुहूर्त में थोड़ा फर्क था। यह फर्क दिखाने पर स्वामी जी बोले, चेल महाशय, मेरे द्वारा बनाई गई कुंडली ही सही है। इसका फलित पढ़ो और अपने जीवन की अतीत की घटनाओं से उनका मिलान करो। अब चेल बाबू ने अपनी कुंडली को ध्यान से पढ़ा और पाया कि स्वामी जी द्वारा बनाई गई कुंडली ही 100% सही है। फिर वह सोचने लगे कि यह तो ठीक, पर मेरी कुंडली भी ठीक बनी थी। उनके इस तरह सोचने पर स्वामी जी बोले, नहीं, वह सही नहीं है। उसमें जो जन्म का क्षण अंकित है, यदि वह सही होता तो तुम भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण की तरह अवतार होते और तब तुम मेरे पास ना आए होते बल्कि मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें प्रणाम करता। इतना कहकर स्वामी जी उठ खड़े हुए और बोले, व्यक्ति के जन्म के क्षण का बहुत महत्व होता है। जन्म का क्षण यह बताता है कि जीवात्मा किन कर्म बीजों, संस्कारों को लेकर और कैसे ऊर्जाओं के प्रवाहों के मिलन बिंदु पर जन्मी है। जन्म का क्षण इस विराट ब्रह्मांड में व्यक्ति को, उसके जीवन को एक स्थान देता है। यह कालचक्र में ऐसा स्थान होता है जो सर्वथा
अपरिवर्तनीय है। कुछ ऐसे थे स्वामी विशुद्धानंद और उनके बचपन का नाम था भोलानंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि, आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया में। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे स्वामी विशुद्धानंद परमहंस की। जब वे 7 वर्ष के थे तो एक दिन उन्होंने सुना कि शमशान में कोई विचित्र सन्यासी आया है। जो भी उसके पास जाता है वह सन्यासी उन पर ढेले फेंकता है, इसलिए कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। स्वामी जी ने इस सन्यासी से मिलने की इच्छा प्रकट की। आखिर घर वाले रात्रि में उन्हें शमशान कैसे जाने देते। इन्होंने अपनी माता के पास सोने का अभिनय किया व माँ के सो जाने पर अकेले ही रात्रि के सन्नाटे में शमशान के लिए निकल पड़े। साधु संतों के दर्शन के लिए खाली हाथ जाना उचित नहीं मानते, इसलिए वे गौशाला से एक पका हुआ कटहल कंधे पर रख कर चल दिए। 2 मील की ऊंची नीची राह पार कर जब वे शमशान भूमि पहुंचे तो दूर से लपटें बिखेरता एक अग्निपिंड दिखाई दिया। भोलानाथ समझ गए कि सन्यासी की धूनी की आग से ये लपटें निकल रही हैं, परंतु पास आने पर देखा तो ये आग की लपटें सन्यासी के शरीर से निकल रही थी। क्षण भर के लिए बालक डर के मारे गुमसुम हो गया। जैसे ही सन्यासी ने बालक को देखा तो एक पत्थर उठाकर इनको मारने चला। यह देख भोलानाथ ने वहीं पड़े बांस को उठा लिया ताकि वे सन्यासी का मुकाबला कर सकें। सन्यासी बालक के अद्भुत साहस को देखकर चकित हो गया और प्रेम से बालक को अपने पास बुलाया। भोलानाथ बोले, पहले तुम अपने हाथ से पत्थर फेंको, तब मैं बांस फेंकूंगा। सन्यासी ने पत्थर छोड़ दिया व भोलानाथ ने बांस, तथा दोनों का मेल हो गया और साथ ही दोनों की बातचीत प्रारंभ हो गई। भोलानाथ ने पूछा कि वो ऐसा अशिष्ट व्यवहार क्यों करते हैं। तब सन्यासी ने उत्तर दिया, जन सामान्य से दूरी बनाकर रखने के लिए। भोलानाथ ने श्रद्धापूर्वक कटहल भेंट किया और सन्यासी ने देखते ही देखते वह कटहल कच्चा ही खा लिया। भोलानाथ ने जब सन्यासी की बातों से प्रभावित होकर उनके साथ रहने का अनुरोध किया तो सन्यासी ने उनको समझाया कि बेटा, तुम्हारी अवस्था अभी बहुत कम है। इस भयानक अंधेरी रात में, निर्जन अरण्य और घोर शमशान में तुम मेरे पास आए हो, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। दरअसल अभी तुम अपने असली रूप को नहीं पहचानते। समय आने पर अस्तित्व अपने आप तुम्हें यह समझा देगा कि तुम क्या हो। जिस सन्यासी ने भोलानाथ को यह बात बताई वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि तिब्बत में स्थित गुप्त ज्ञानगंज के पूज्य अभयानंद जी थे, जिन्होंने बालक के सर्वप्रथम उनके विशेष योगी व विशेष जीवन का बोध कराया था। सन्यासी से विदा लेकर बालक भोलानाथ भागता हुआ घर आ गया। वह आशंकित था कि कहीं घर में उनकी खोज ना हो रही हो। रात के 3 बज चुके थे, परंतु घर में सब गहरी नींद में सोए हुए थे। यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद देकर बालक चुपचाप अपनी माँ के बगल में जाकर सो गया। स्वामी जी बचपन से ही शिव भक्त थे और बिना भगवान शिव की पूजा किए वे जल तक ग्रहण नहीं करते थे। बंडूल ग्राम के उत्तर दिशा में एक वट वृक्ष स्थित था, जहाँ वे प्रायः जाकर उसके नीचे बैठा करते थे। एक दिन भोलानाथ विल पत्र से भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और इसी दौरान एक बच्चे ने उनकी पूजा खंडित कर दी। वे बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तूने हमारे शिव के साथ ऐसा किया है, अतः शिव जी का सांप तुझे डस लेगा। उस समय तो बालक वहां से चला गया, किंतु उसी शाम को सांप ने वास्तविक में उसे डस लिया।
तब सभी लोगों ने स्वामी जी से आग्रह किया कि वे बालक को ठीक कर दें। तब वे बालक के मृतप्राय शरीर के पास गए और स्पर्श करके शिव जी से प्रार्थना की कि वो बालक को क्षमा कर दें, और वह बालक ठीक हो गया। स्वामी जी के बचपन की एक घटना है, जब उनको उनके ही घर के किसी सदस्य ने डांट दिया, जिसके कारण वे नाराज होकर भगवान कृष्ण की एक मूर्ति लेकर निकटवर्ती तालाब में कूद गए। किंतु वे तालाब में जिधर भी जाते उधर का जल उनके साथ ही चलकर घुटने के नीचे हो जाता। यह आश्चर्यपूर्ण स्थिति को देखकर लोग विस्मित हो गए। इसी प्रकार कई अन्य घटनाएं उनके साथ घटी, जिसके कारण उन पर किसी दैवी कृपा का पाया जाना सिद्ध होने लगा और उनके असाधारण व्यक्तित्व से आसपास के लोग भी परिचित हो गए। एक बार उनकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं, उनकी हालत बिगड़ने लगी। तब उनकी चाची ने भोलानाथ से कहा कि पगले, अब तुम ही बताओ मेरी दीदी बचेगी कि नहीं। तब भोलानाथ ने कहा, हाँ अवश्य बचेगी। यह कहकर वे अपने घर के पीछे स्थित गौशाला में जाकर सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए अपनी माँ के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करने लगे। इसी बीच घर के एक नौकर ने आकर उनसे कहा कि तुम्हारी माँ ठीक हो गई हैं। तब उन्हें ईश्वर पर अटूट विश्वास हो गया और वे दौड़कर माँ के पास पहुंचकर उनके गले लग गए। भोलानाथ जब 14-15 वर्ष के थे तो एक बार सीढ़ी से उतरते समय उन्हें एक कुत्ते ने काट लिया। थोड़े दिन बाद उनके पूरे शरीर में जलन व पीड़ा होने लगी। घर वालों ने बहुत इलाज करवाया किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को जाकर गंगा को अर्पित कर दूं। जब वे ऐसा करने गए तो वहां पर उन्हें एक सन्यासी के दर्शन हुए। वह सन्यासी पानी से बाहर आया और उसने कहा कि मुझे मालूम है तुम यहाँ क्यों आए हो, परंतु चिंता ना करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसके पश्चात उस सन्यासी ने उन्हें एक औषधि पीने के लिए दी, जिसके बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। दूसरे दिन वे पुनः उसी तट पर गए और उसी सन्यासी से दीक्षा लेने का आग्रह किया। तब सन्यासी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु यहाँ से कुछ दूर पर रहते हैं, जब समय आएगा तो मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊँगा। एक दिन वे भोलानाथ को आकाश मार्ग से अष्टभुजा ले गए, वहाँ एक सप्ताह तक निर्जन स्थान पर रखा। इसके बाद हिमालय स्थित ज्ञानगंज आश्रम ले गए। यहाँ 7 दिन रहने के बाद भोलानाथ को स्वामी नीमनंद राज राजेश्वरी मठ ले गए, जहाँ उन्हें दीक्षा दी गई और यहीं पर उन्हें विशुद्धानंद की संज्ञा मिली। कहते हैं कि परमहंस भृगुराम ने भोलानाथ की परीक्षा ली और उसके बाद उन्हें एक शिवलिंग प्रदान किया। उन्होंने भोलानाथ को योग का एक आसन सिखाया और बाद में एक बीज मंत्र भी बताया। इसके बाद वह सन्यासी गंगा सागर चले गए, किंतु भोलानाथ उस आसन और बीज मंत्र का निरंतर अभ्यास करते रहे। भोलानाथ जब वर्धमान के कंचन नगर मेस में रहने लगे, तब वहीं पर उन्हें ज्ञात हुआ कि ढाका में एक सन्यासी आए हैं जो अधिकतर जल में ही रहा करते हैं, और जब जल से बाहर निकलते हैं तो उनके साथ जल भी बाहर निकल आता है। भोलानाथ को तुरंत ही पूर्व में गंगा के तट पर मिले हुए उस सन्यासी की याद आ गई और वे अपने एक मित्र के साथ ढाका की ओर प्रस्थान कर गए। ढाका में रमना नामक स्थान पर उनकी भेंट उस सन्यासी से हुई। तब उन्हें यह मालूम हुआ कि उस सन्यासी का नाम भीमानंद परमहंस है। भोलानाथ ने उनसे कहा कि प्रभु अब मुझे दीक्षित कीजिए। तब भीमानंद जी इनकार नहीं कर पाए और उन दोनों को अपना शिष्य बना लिया
और उसी दिन उन्होंने दोनों की आंख पर एक पट्टी बांधकर अपने साथ विंध्याचल ले गए और कुछ दिन रहने के बाद उन दोनों को छोड़कर कहीं चले गए। किंतु 5-6 दिन बाद वापस आकर पुनः उन दोनों की आंख पर पट्टी बांधकर हिमालय स्थित दुर्गम योगाश्रम ले गए, जहां परमहंस भृगुराम ने उन्हें बीज मंत्र दिया और काफ़ी दिनों तक योगाभ्यास करवाया। यहीं पर परमहंस श्यामानंद से भेंट हुई उनकी और उन्होंने भोलानाथ को 12 वर्षों तक सूर्य विज्ञान की साधना की शिक्षा देते हुए उन्हें पारंगत बना दिया। गुरु परमहंस देव से दीक्षा लेने के बाद उनका नाम विशुद्धानंद रखा गया और वहीं पर उन्होंने गुरु से नाभि धोती क्रिया सीखी, तत्पश्चात किरात धोती व किरात कुंभक की सिद्धि भी की। कहा जाता है कि स्वामी विशुद्धानंद के शरीर में स्फटिक के गोले छिपे रहते थे और वे अपने रोम छिद्रों से आवश्यकता अनुसार उन्हें बाहर निकाल सकते थे। कहते हैं कि इन गोलों में से कमल गंध निकलती थी। योगाभ्यास द्वारा वे अपने मस्तक से शिवलिंग, माला, शालिग्राम आदि बाहर निकालकर पुनः उसे मस्तक के अंदर रख लेते थे। स्वामी जी के बड़े भाई थे भूतनाथ चट्टोपाध्याय, जो कि एक चिकित्सक थे। एक दिन उन्होंने स्वामी जी से कहा, क्या आप योग बल से स्वर्गीय पिताजी से बात करवाकर उनके दर्शन दिलवा सकते हैं? पहले तो स्वामी जी मौन रहे, किंतु कई बार यही प्रश्न करने पर उन्होंने कहा, हाँ मैं उनके दर्शन करवा सकता हूँ। अपने भाई को वो एक कमरे में ले गए और एक स्वच्छ चारपाई बिछाकर उस पर स्वच्छ शैया डलवाई और अपने योग बल से अपने स्वर्गीय पिताजी की आत्मा को शैया पर बुला लिया। लगभग 15 मिनट आत्मा उनके सभी प्रश्नों का जवाब देती रही और फिर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद उनके भाई गंभीर रूप से बीमार हो गए। तब उनकी माता ने स्वामी जी से उसकी बीमारी के बारे में जाकर बताया। तब स्वामी जी स्वयं अपने गांव आए और भाई को देखकर कहा कि अब भाई नहीं बचेंगे। उन्होंने उनकी मृत्यु की तिथि व समय भी बता दिया और वहां से चले गए। इसके बाद उनकी माता ने उनसे कई बार विवाह कर लेने का प्रस्ताव रखा। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु से पूछकर बताऊंगा। गुरु के पास जब वह प्रस्ताव लेकर गए तो उनके गुरु ने कहा, विवाह करने में कोई हर्ज नहीं है, अतः विवाह कर लो, इससे तुम्हारी तपस्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब स्वामी जी ने विवाह कर लिया और बाद में दो पुत्रों के पिता भी बने। एक दिन वार्तालाप के दौरान स्वामी जी ने अपने शिष्य उपेंद्र से कहा कि हम संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं वह ईश्वर ही है। एक उदाहरण द्वारा उन्होंने समझाया कि जवा के पौधे में गुलाब का फूल स्वामी विशुद्धानंद अपने गुरु भृगुराम द्वारा प्रदान किए गए हरिहर नामक शिवलिंग को अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लिया, जिसके बाद उन्होंने अपने गांव में बांडलेश्वर महादेवक नामक एक मंदिर में इसकी प्रतिष्ठा करवा दी। स्वामी जी ने बर्दवान, कोलकाता, बंदूल, जगन्नाथपुरी, झालदा एवं वाराणसी में योग साधना हेतु योगाश्रम स्थापित किए एवं काशी में साधना के लिए शिक्षा मंदिर तथा विज्ञान मंदिर का निर्माण करवाया। स्वामी जी ने कोलकाता में ही स्थित अपने आश्रम में महासमाधि ली। अपनी मृत्यु से कई दिन पूर्व से ही वे अस्वस्थ चल रहे थे। जब उनके शिष्यों ने चिकित्सक बुलवाया तब वे एकांत में एक चादर ओढ़े हुए लेटे थे। चिकित्सक ने चादर के नीचे से अपना हाथ अंदर डालकर स्वामी जी की नाड़ी देखना चाही तो उन्हें स्वामी जी का हाथ नहीं मिला। तब स्वामी जी ने धीरे से कहा कि डॉक्टर साहब, चादर उठाकर हाथ की नाड़ी अच्छी तरह से देख लीजिए। डॉक्टर ने ज्यों ही चादर हटाया तो चादर के साथ ही स्वामी जी के हाथ की चमड़ियाँ व मांसपेशियाँ भी ऊपर उठ गईं।
और बिस्तर पर केवल उनकी नसें फैली हुई दिखाई पड़ी। डॉक्टर ने गौर से देखा कि उनकी समस्त नसें पूर्ववत चल रही थीं, तो वो स्तब्ध हो गए और स्वामी जी के पैर पकड़कर कहा, मुझे क्षमा कीजिए बाबा, मैं आपका इलाज करने में असमर्थ हूँ। स्वामी जी कहते थे कि सभी देवी देवता मूल में अभिन्न हैं, उनमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं करना चाहिए और अभ्यास के लिए अपने इष्ट भाव में दृढ़ रहना चाहिए। महाशक्ति की कृपा प्रतिशत टपक रही है, परंतु कर्म के बिना उसको धारण नहीं किया जा सकता। कर्म से असाध्य ज्ञान होता है। कर्म यानी कि क्रिया शक्ति, स्वयं देवत्व लाभ लिए बिना देव दर्शन को बाहरी देव दर्शन कहते हैं। इसलिए यदि देवता को जानना है तो स्वयं को देवता बनाओ। उन्होंने रूपांतरण को मनुष्य के जीवन का आदर्श माना और इसे ही वे यथार्थ मुक्ति की संज्ञा देते थे। विश्वास की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि विश्वास क्या साधारण वस्तु है? विश्वास अर्थात श्वास जब विगत होता है तो विश्वास का जन्म होता है। स्वामी जी कहते थे, जो साधक निर्भरशील हो जाता है उसे कोई भय या उद्वेग नहीं रहता, उसका योगक्षेम फिर भगवान ही वहन करते हैं। स्वामी जी का स्पष्ट कथन है, या यूं कहूं कि स्पष्ट कथन था, कि किसी को ठगो नहीं, किसी को हेय दृष्टि से ना देखो, सरल के साथ असरल व्यवहार ना करो, असत्य पथ पर ना चलो, इससे ही सुखी रहोगे। स्वामी जी कहते थे कि इस जगत की प्रत्येक परमाणु तुम्हारे प्रतिकूल है, तुम्हारे मित्र एकमात्र तुम ही हो। सिद्धों की परंपरा में आज इतना ही, अंत में इतना ही कहूँगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।